पश्चिम मध्य रेल रेल परिचालन को बेहतर करने तथा सुरक्षा संरक्षा एवं समय पालन को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिम मध्य रेल ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं। बीना स्थित सोलर पावर प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्लिन में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि पश्चिम मध्य रेल के साथ साथ संपूर्ण भारतीय रेल के लिए अत्यंत गौरव की बात है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भोपाल रेलवे स्टेशन पर किए गए विभिन्न सराहनीय कार्यों के लिए मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार 2020-21 में भोपाल स्टेशन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। रानी कमलापति जबलपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में विस्टा डोम कोच का शुभारंभ किया गया। पश्चिम मध्य रेल को वर्ष 2021-22 में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के कर कमलों द्वारा ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड सहित चार अन्य शील्ड प्रदान की गई। CII भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 5 सितंबर 2022 को CRWS भोपाल की ग्रीन को रेटिंग को सिल्वर से गोल्ड में अपग्रेड करके प्रमाण पत्र जारी किया गया। CRWS ने दिसंबर 2022 के महीने में 23 कोचों का NMGHS रूपांतरण कार्य सफलतापूर्वक किया है। सुरक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए 15/11/2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद MP चैप्टर भोपाल द्वारा CRWS को प्रतिष्ठित HSE अवार्ड 2021-22 5 स्टार एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। कोचों की उच्च गुणवत्ता के साथ धुलाई हेतु रानी कमलापति जबलपुर एवं कोटा में ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किए गए। ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक में नवंबर 22 तक 197 नए थिक वेब स्विच लगाए गए। वर्ष 2022-23 में 31 रेलवे यार्डों में सुधार किया गया। वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण 25/8/22 से 5/9/22 तक कोटा नागदा सेक्शन में सफलतापूर्वक किया गया। पश्चिम मध्य रेल द्वारा वर्ष 2022-23 में 139 किलोमीटर डबलिंग और ट्रिपलिंग किया गया, जो ट्रेन संचालन की गतिशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। विदिशा स्टेशन बिल्डिंग के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा किया गया। जबलपुर मैहर और सागर में इस वर्ष सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई। 23 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ चालू किया गया एवं 105 ब्लॉक सेक्शनों में IBS इंस्टॉल किए गए। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 15 ट्रेन एट अ ग्लांस बोर्ड 15 स्टेशन पर लगाए गए। 11 ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड 6 स्टेशनों पर स्थापित किए गए। 37 स्टेशनों पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए। भोपाल और जबलपुर मंडल में 33.98 रूट किलोमीटर पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष लोकसभा और MOSR द्वारा 5/1/2022 को कोटा बीना कोटा नागदा और कोटा झालावाड़ के लिए सोगरिया स्टेशन पर मेमू सेवाओं का शुभारंभ किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे की सभी ट्रेनों में 28/3/2022 से लीनन सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई। पाली मारवाड़ क्षेत्र NWR को आपूर्ति के लिए पेयजल के परिवहन में उपयोग के लिए बहुत ही कम समय में 99 वैगन को पानी की टंकी में परिवर्तित कर दिया गया। कोटा वर्कशॉप को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 के लिए स्टेट सेफ्टी अवार्ड प्रदान किया गया। कमर्शियल विभाग की उपलब्धियों के अंतर्गत नवंबर 2022 तक कुल 5,017.20 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40.62% अधिक है। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए टिकट चेकिंग से 151.03 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। कंप्यूटरीकृत ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग और खाली बर्थ के आवंटन के लिए भारतीय रेलवे पर हैंडहेल्ड टर्मिनल यानी HST की शुरुआत की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे में 8 जुलाई 2022 से हैंडहेल्ड टर्मिनल का उपयोग शुरू हो गया है। वर्तमान में HST का उपयोग WCR की सभी शुरुआती ट्रेनों में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पश्चिम मध्य रेल में माह नवंबर तक 33.54 MT लोडिंग की गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.16% अधिक है। लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को अमल में लाया गया है। वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल के 25 स्टॉल संचालित किए जा रहे हैं।
ई नीलामी के सफलतापूर्वक आयोजन में IREPS पर 102 विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया है तथा 99 अनुबंधों की नीलामी की गई। पश्चिम मध्य रेलवे पर माल ढुलाई किराए का लगभग 99% भुगतान डिजिटल मोड यानी ई भुगतान प्रणाली प्लस ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के 11 स्थानों पर पार्सल प्रबंध प्रणाली स्थापित की गई है। नॉन फेयर रेवेन्यू राजस्व नवंबर 2022 तक 8.95 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 166.21% अधिक है। पहली बार ENHM फंड से 8 गुड शेड को पर्यावरण के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर पश्चिम मध्य रेल।